आप हवाई यात्रा पे हैं, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच भी गए हैं, लेकिन तब क्या हो जब आप वहां पहुंच जाए और आपको पता चले अरे आपका सामान छूट गया। ऐसी ही लापरवाही की है इंडिगो ने। बता दें कि इससे पहले भी गो एयर का मामला सामने आया था, जब गो एयर अपने 50 यात्रियों को छोड़कर उड़ गया था। और अब ऐसा मामला सामने आया है कि हैदराबाद से विशाखापट्टनम फ्लाइट तो पहुंच गई, इंडिगो की फ्लाइट थी, लेकिन 37 यात्रियों का वे सामान छोड़कर उसने उड़ान भरी और अब अपने जब डेस्टिनेशन पर पहुंची है तो उसके बाद कहा जाता है कि ये भूल है, अनजाने में ऐसा हो। इसकी जवाबदेही कैसे होगी? यात्री बेहद परेशान हैं, उनको अपना सामान नहीं मिल रहा, लेकिन इंडिगो ने साफ तौर पर माफ़ी मांगी है, यात्रियों को सांत्वना देने की कोशिश की है और ये जताया है, इस बात का आश्वासन दिया है कि आपका सामान आप तक सुरक्षित पहुंच जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आप 3,000, 4,000 और 10,000 से भी ऊपर टिकट का खर्च करके एक फ्लाइट की टिकट कटवाते हैं कि आप सुरक्षित और अपने सामान के साथ अपने सुनिश्चित स्थान पर पहुंचे, लेकिन कभी ऐसा होता है कि यात्रियों को छोड़कर ही प्लेन अपनी उड़ान भर लेता है और कभी ऐसा होता है कि सामान छूट जाता है। तो इसकी जवाबदेही किसकी बनेगी? क्या नागरिक निदेशालय जो है, उड़े निदेशालय, वो इसकी जवाबदेही करेगा या फिर जनता को दूसरा विकल्प सोच लेना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा मामलों कैसे।